ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये है 50 साल की बिन्नू बाई की, जो कि हैफेड के गोडाउन में काम कर रही थी और काम करते ही जो है करने के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। जो मिक्सचर मशीन होती है जिसमें जो कनक वगैरह, माफ़ कीजिएगा, जो बजरी वगैरह पीसने के लिए यूज़ होती है, उसके अंदर जो है ये फिसल कर गिर जाती हैं। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम था इनका जिनकी डेथ हुई है? बिन्नू भाई। क्या उम्र क्या थी? 50 साल। अच्छा, तो क्या कहाँ काम करती थी ये? यहाँ करते थे इंद्री में। अच्छा, हैफेड के गोडाउन। हाँ, क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस माल डाल रही थी और उसका बेल्ट होता ना जो, उसमें साड़ी फंस गई थी, तो ये चोटी वोटी सारा कुछ है, मतलब फंस गई, वो बोली भी नहीं है, बिल्कुल खत्म ही हो गई उस टाइम मौके पर। हाँ, तो क्या वहाँ के मतलब जो वहाँ पे कोई और लोग भी मौजूद थे, देखा किसी? हाँ, भाई थे मेरे सारे, आवाज़ ही नहीं बिल्कुल आई उसकी। हाँ, काम हम ऐसे कर रहे थे, वो मिक्सर में माल डाल रही थी, तो बस आवाज़ ही निकल गई। आप क्या लगती हैं उसकी लड़की? हम बेटी। हाँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी है, किस तरीके से काम करते हुए मिक्सर में जो है वो बजरी वगैरह डाल रही थी, उसकी जो बेल्ट है वो उनकी गर्दन में, बालों में अटक जाती है साड़ी में, जिसके बाद वो उसके अंदर चली जाती हैं और मौके पर ही जो है उनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर हुआ ये हादसा? यहाँ इंद्री में, किसके गोदाम में? फड़ वाले गोदाम में। हाँ, घर में और कौन कौन है? बस कोई नहीं है, इनकी बहू लड़की है, वो भाई है बड़ा वाला, एक ए वाला भाई है, हम सारे परिवार ही थे बस। उनकी बहू है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती। आप भी वहीं काम करते हो? जी, हम भी वहीं काम करते, लेकिन आज हम लग नहीं रहे थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, तो वो रोज वही काम करने जाते? हाँ जी, रोज ही काम, मतलब रोज ही उन्हीं का वही काम है। हाँ जी। कितने बजे जाती है सुबह? लगभग जाती है 9 बजे, कभी 8 बजे इस टाइम तक ही। शाम तक करती है? हाँ जी, 6 बजे तक। तो किस समय हुआ ये हादसा? लगभग ये 1:15 के करीब हुआ है। हाँ जी। आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला? पता नहीं मैडम, हम तो देखो आज लगे नहीं थे, तो पता नहीं, कहते मौके पे ही मौत हो गई, उनकी आवाज़ भी नहीं आई। तो आप जाते हैं वहाँ से, आप लोग को कोई मदद मिली? पता नहीं जी, अब उन्हें के करवाया था जो कुछ ठेकेदार जी हो है, भाई को पता होगा। तो आप देख सकते हैं फिलहाल परिवार जो है कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर मौजूद है, शव को जो है फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए लेकर आया गया है। आपकी माँ थी? जी, हमारी माँ थी। आप कहाँ काम करते हो? वहीं पे हम भी कर रहे थे एक साथ, वहीं पर ही थे। हाँ, एक साथ। तो आपकी आँखों के सामने ही? हमारी आँखों के सामने। अच्छा, देखा आपने गिरते हुए? गिरते हुए कि उसी में फंसी हुई थी, जब हमने निकाला हम तो उसे, हाँ, मौके पे ही मौत हो गई थी। तो आपने गिरने के बाद देखा? हाँ। क्या लगता है, मतलब कोई लापरवाही वहाँ पे किसी से हुई है? लापरवाही कुछ नहीं हुई, अब ये कि पता नहीं था कि क्या होने वाला, कुछ को अचानक हुआ है। तो कोई मदद वगैरह चाहते हो आप लोग एफर्ट वाले? मदद तो ऐसी है कि मिल जाए तो और सही है, नहीं तो आजकल देना कौन चाहता है मदद। तो आप देख सकते हैं फिलहाल ये लोग एमपी के रहने वाले हो ना, एमपी के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन इंद्री में जो है ये लोग रहते थे और सारा परिवार ही ऑलमोस्ट हैफेड में ही काम करता है। और किस तरीके से वो जो है मिक्सर मशीन में बजरी डाल रही थी, जिसके बाद उसकी जो बेल्ट है उनकी साड़ी में अटती है, जिसके बाद उनका पैर स्लिप होता है और वो उस मशीन के अंदर जा गिरती हैं और मौके पर ही उनकी डेथ हो जाती है। फिलहाल आप देख सकते हैं मॉर्चरी हाउस में जो है उनके शव को लेकर आया गया है, एक बेहद दुखद हादसा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में उनके लिए ओम शांति लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे एंड मीरा माटा के साथ, टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।